महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी और प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। भारत की संसद के इस ऐतिहासिक कक्ष में जहाँ आज़ादी की गाथा लिखी गई, भारत का संविधान बनाया, उस ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में अलग अलग प्रदेशों से, केंद्र शासित प्रदेशों से आए मेरे ऊर्जावान सामर्थ्यवान नौजवान आज दो भारत पंडित मदन मोहन मालवीय जी और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देने आए हैं। प्रिय छात्रों, देश के महामन पंडित मदन मोहन मालवीय जी की 161वीं जयंती है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी को भारत की शिक्षा प्रणाली में योगदान और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रणेता के रूप में हमेशा भारत याद करता रहता है। उनके उस समय के प्रयास 1916 के अंदर जो उन्होंने एक शिक्षा संस्कार संस्कृति का एक विश्वविद्यालय बनाया, बनारस विश्वविद्यालय आज भी वह देश का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है। एक कठिन परिस्थिति के अंदर जब उनके पास पढ़ने के पैसे नहीं थे, उनकी माँ ने कड़े बेचकर उनकी शिक्षा कराई, लेकिन उनके मन में भाव थे कि देश का हर नौजवान अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, उच्चतम शिक्षा प्राप्त करे, अच्छे संस्कार प्राप्त करे और एक देशभक्त नौजवान बने। इसके लिए पूरे देश में निकले, लोगों से धन इकट्ठा किया और उस समय एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाया जिसने आज़ादी की लड़ाई के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया और आज भी संस्कार और संस्कृति का ये विश्वविद्यालय ऐसे बौद्धिक नौजवानों को तैयार कर रहा है जो देश और राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव है। आज हम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जयंती मना रहे हैं। इस दिन हम सुशासन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे सर्वमान्य नेता थे, उनका विराट व्यक्तित्व सभी दलों में उनके प्रति विशेष सम्मान और विशेष रूप से देश के प्रति समर्पण, सेवा और किस तरीके से शासन के अंदर शुचिताए, स्वच्छताए, शासन जनता के प्रति जवाबदेही बने, इसलिए एक पारदर्शी शासन, एक जवाबदेही शासन के रूप में उनके दिए गए कार्यों के कारण आज पूरा देश सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। साथियों, इसी संसद के अंदर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 10 कार्यकाल तक लोकसभा में और 2 कार्यकाल तक राज्यसभा में अपने संसदीय कार्यों के माध्यम से
देश की जनता को, संसद को एक दिशा देने का काम किया। एक सर्वश्रेष्ठ संसदीय प्रणाली और किस तरीके से भारत के संविधान निर्माताओं ने लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली को अपनाया था और उस लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली से किस तरीके से हम समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज, उनकी कठिनाई, उनकी समस्याएं, उनकी बातें की अभिव्यक्ति संसद के अंदर कर हम लोगों को न्याय दिला सकते हैं, एक अच्छा शासन कर सकते हैं और उनकी अपेक्षाएं आकांक्षाएं इन संसद के माध्यम से पूरी हो, उसके लिए उनका संसदीय कार्यकाल अमिट है और आज भी हम सबको नई प्रेरणा देते हैं। आप सब देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए विद्यार्थियों, और आज जब मैं सुन रहा था आपको किस तरीके से आप महान मना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के जीवन के बारे में, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन के बारे में जिस तरीके से आप चर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, आज पूरा देश देख रहा है। अभी कुछ देर पहले आपने प्रधानमंत्री के मन की बात भी सुनी, किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने इन विराट व्यक्तित्व के बारे में आपको जानकारी दी। वह स्वयं संसद भवन के अंदर आए, दोनों नेताओं को श्रद्धांजलि दी, आपका व्यक्तिशय रूप से भी उनका मिलना हुआ। ये हमारा सुखद संयोग है कि आज लोकतंत्र शासन संसदीय प्रणाली से जब ने आज़ादी का 75 वर्ष लोकतंत्र का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और उस देश को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान है तो आप जैसे नौजवानों का है, जो सामर्थ्यवान है, जो बौद्धिक क्षमता से परिपूर्ण है, जो तकनीकी विज्ञान टेक्नोलॉजी के अंदर जिनका अनुभव है और जिसके कारण दुनिया के अंदर आज भारत नेतृत्व कर रहा है, आप जैसे नौजवानों के कारण कर रहा है। और इसीलिए हम इन दोनों विराट व्यक्तित्व की जयंती के साथ किस कठिन परिस्थितियों के अंदर पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने शिक्षा प्राप्त की, किस तरीके से एक शिक्षक परिवार के अंदर पैदा हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश और राष्ट्र के प्रति समर्पण और निष्ठा, जो कुछ भी मेरा है देश के लिए। अभी हमारी उत्तराखंड की एक वक्ता बता रही थी, केरल के अभी एक नौजवान बता रहे थे, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, किस तरीके से उनके विराट व्यक्तित्व के बारे में बता रहे थे कि जो कुछ भी उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया देश के लिए किया, देश को आगे बढ़ाने के लिए किया। और एक ऐसे विराट व्यक्तित्व जिन्होंने उस समय दुनिया को बता दिया पोखरण के अंदर परमाणु परीक्षण कर अपनी शक्ति और ताकत को बताया, उन्होंने कारगिल के अंदर हमारे वीर सैनिकों की ताकत, उनकी ऊर्जा, उनके सामर्थ्य के बल पर कारगिल के अंदर हमने विजय प्राप्त की। किस तरीके से उन्होंने देश के गांव को जोड़ने का काम किया, किस तरीके से भारत रोड कनेक्टिविटी के अंदर एक हो, उसके लिए उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। कई तरीके की टेक्नोलॉजी हो, टेलीफोन हो, कई तरह के ग्रामीण विकास हो, उनके योगदान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। और आज आप देखिए कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, नए स्टार्टअप के अंदर हो, हमारे नौजवानों ने किस तरीके से दुनिया को बताया है
कि हर चुनौतियों का समाधान अगर निकलेगा तो भारत की धरती से निकलेगा, भारत के नौजवानों के सामर्थ्य और बौद्धिक क्षमता के कारण निकलेगा। और इसीलिए आज हम यहां पर आए, हम इन विराट व्यक्तित्व के जीवन के बारे में जानेंगे, उनके व्यक्तित्व कर्तित्व के बारे में जानेंगे, उनके समर्पण के बारे में जानेंगे, और यहां से जो आप संदेश लेकर जाएंगे, विचार लेकर जाएंगे, उन विचारों को देश के हर युवाओं पर पहुंचाने का काम करेंगे। हमें भी भारत में ऐसे नौजवानों की शक्ति और सामर्थ्य चाहिए जो आने वाले समय के अंदर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपने संकल्पित होकर लक्ष्य और ध्येय से काम करें, और जो कुछ भी हमारा जीवन है वो राष्ट्र के प्रति समर्पित है, देश के प्रति समर्पित है, ये भाव आप लेकर यहाँ से जाएंगे। मैं सभी राज्य के आने वाले इन नौजवान भाइयों और बहनों का इस संसद के केंद्रीय कक्ष में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मुझे आशा है जो आप संकल्प लेकर जाएंगे, जो आत्मविश्वास लेकर जाएंगे, उस संकल्प को पूरा करेंगे और आपसे देश के और नौजवानों को प्रेरणा मिलेगी। हमें जब भी महापुरुषों के जीवन की गाथाएं, उनके विचार, उनके विचार दर्शन और हमारा इतिहास, हमारी विरासत, हमारे इतिहास को, हमारी विरासत को याद करते हुए आधुनिक भारत के निर्माण में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।